दुनिया के किसी देश में नहीं है। 2019 में आप नेक्स्ट 4.5 साल से केंद्र सरकार आपके उम्मीदों पे खरी उतरी है। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न पूछ के बाबा जी को क्यों परेशान करते हो? थोड़ा अनुलोम विलोम करो। कितने मार्क्स देंगे आपके? क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे दिन का वादा किया था, तो अब लोगों को लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए क्या? आए तो कब आए, किसके आए? आप मेरी दो आंख, आपकी सो आंख, आपको ज्यादा दिखता होगा। ये बड़ा हमारे ज्यादा ज्ञानी है ना, इसलिए आजकल हम कोई भी राजनीतिक संकट अभी नहीं लेना चाहते, क्योंकि देश में मैंने बोला ना, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ना बोलो तो अच्छा। और एक चीज, उत्तराखंड का एक जो फैसला शायद आपने पढ़ा होगा, जो आपके खिलाफ ही गया उत्तराखंड, हमारे कोई खिलाफ फैसला नहीं है, तो जैव विविधता टैक्स लगाया हुआ है। अब उसका जो है वास्तविक धरातल पर हम जाते हैं तो क्या है, इतना ही मैटर है। उसके अंदर कोई किसानों का और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। कई बार क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कई बार गलत हो जाता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपके कुछ भी सलूशन आपके पास? हिंदू और मुसलमानों को मैं दो बात बोलता हूँ हमेशा। एक तो 99% हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक है, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है, और हमने मिलकर के देश बनाया है। दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों के भीतर एक ही रूह सोल आत्मा है, और नाम चाहे भगवान बोलो या खुदा बोलो, वो भी एक ही है। तो भेद मुझे तो नजर ही नहीं आया। जब हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा भगवान एक है और हमारा देश एक है, तो फिर नफरत कहाँ से आ गई? ये नफरत की फितरत पॉलिटिकल लोग फैला करके मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करें, तो उससे देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए।